जय श्री महाकाल। आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया। और अब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे दोस्तों। और जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में आप खुलकर लिख सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे इन चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए। सबसे पहली बात है, उन अवैध संबंधों से सावधान रहना चाहिए। आजकल शादीशुदा लोगों को एक ट्रेंड सा शुरू हो गया है बाहरी संबंध रखने में। देखिए, जो बात है मैं क्लियर और खुली कहूँगा, किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो बुरा है, सच है, वो सच कहना पड़ेगा। इससे हमारे पारिवारिक रिश्ते, जो अच्छे खासे रिश्ते हैं, वो व्यर्थ हो जाते हैं, डूब जाते हैं और कई सारी परेशानियाँ खड़ी हो जाती है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इन चीज़ों को इग्नोर करें, इनसे बाहर आएँ, क्योंकि ये जो जीवन है ये बहुत अमूल्य है। ईश्वर के स्मरण के लिए बहुत से काम होते रहेंगे, अन्य जीवनों में हम कर लेंगे, लेकिन इस जीवन में केवल और केवल अपना वैवाहिक जो जीवन है उसे आप शांति से जिए, सुकून से जिए और आगे बढ़े, क्योंकि आपके बीच जो विश्वास की डोर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि कई बार विश्वास कुछ होता है भी नहीं, लेकिन शक जो है बहुत बुरी चीज़ होती है, तो कहीं भी शक को पनपने न दें। देखिए, पहली जो कंडीशन कही है उसमें मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि अगर इससे कोई संबंध है उसे ख़त्म कर दें। और दूसरी बात है कि अगर शक है तो उस शक को भी एक दूसरे बैठ कर क्लियर कर लें तमाम चीज़ें। शक को जो सबूत होते हैं, मोबाइल फ़ोन होता है हमारा, इनसे बात की, कॉल डिटेल होती है हमारा जो भी है, कि जो हम सच्चाई प्रेषित कर सकते हैं वो हमें देना चाहिए अगर शक है, क्योंकि शक की दवा इस दुनिया में नहीं है, वो केवल बैठकर विश्वास से ही जीता जा सकता है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि आज के इस युग में दाम्पत्य को बचाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग परेशान, केवल इन्हीं की वजह से परेशान है, और केवल एक शक, छोटा सा भारी संबंध, और तीसरा है व्यसन, नशा। बहुत से लोग नशा करते हैं, नशा की वजह से पारिवारिक हालात खराब होते हैं, जीवन में बहुत सी परेशानियां होती हैं। आप मुझे बताएं कि उस लड़की का क्या दोष है अगर आप नशा करते हैं, व्यसन करते हैं, उस निर्दोष का क्या दोष है? और ताली दो हाथों से बजती है, मैं ये आपको दोषी नहीं कह रहा हूँ, दोनों पक्ष से होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी व्यसन अगर आप कर रहे हैं तो उसे ना करें, क्योंकि व्यसन नशा जीवन का नाश है। इस बात को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चौथी बात है, वो है हमेशा आप अलर्ट रहें, चीज़ों के बारे में जानकारी रखें, नई नई चीज़ें क्या आ रही हैं उनके बारे में जानकारी रखें, ताकि आप ठग ना पाए, आपको कोई ठग ना पाए, लूट ना पाए। पांचवी बात है, आजकल इंटरनेट का युग है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तमाम चीज़ें आपके पास उपलब्ध होती हैं, तो आप उन्हें सर्च करें, उनसे जानकारी जुटाएं और आप उन्हें अपने ज्ञान में ऐड करें, ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह से आपके साथ धोखाधड़ी या फ्रॉड नहीं कर सकता है। ये बहुत ही क्लियर और सही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। तो इन चीज़ों से अगर आप सावधान रहेंगे, ये जो दो तीन बात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने बताई, जो आधुनिक युग की बात है, वो मैंने आपसे शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में अपनी राय खुलकर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।